इसराइल का ईरान पर बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक, राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बमबारी, सैन्य ठिकानों को भी बनाया निशाना। इसराइली डिफेंस फोर्स ने कहा बदले की कार्रवाई। महाराष्ट्र कांग्रेस की पूरी लिस्ट आज होगी जारी। नए फॉर्मूले के तहत कांग्रेस, उद्धव और एनसीपी शरद गुट 90-90-90 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बाला साहेब थोराट आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने बढ़ाई महाविकास अघाड़ी की मुसीबत। अबू आजमी ने कहा अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर लड़ेगी पार्टी। सीट शेयरिंग में देरी से सपा नाराज। बीजेपी और शिवसेना आज जारी करेगी दूसरी सूची। अजीत पवार ने कहा महायुति में महज 11 सीट पर फैसला होना बाकी। आदित्य ठाकरे के खिलाफ वर्ली से मिलिंद देवड़ा को उतार सकती है शिवसेना। केजरीवाल पर हमले के दावे से दिल्ली में गरमाई सियासत। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी ने भेजे गुंडे। बीजेपी ने कहा हमला नहीं जनता कर रही है विरोध। भीलवाड़ा से बीजेपी कार्यकर्ता के साथ चाकूबाजी के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने चारों युवकों की परेड निकाली, सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए आरोपी।